हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने नॉन टेक्निकल सेट लिया होगा CITS एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। आपको पता है यहाँ पर टोटल 250 क्वेश्चन हैं और नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 10। ठीक है, तो मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक ये सेट नहीं लिया ले सकते हैं, और सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ इसको 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए। तो CITS एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे कुछ टेक्निकल सेट्स भी अवेलेबल हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि काफ़ी लोगों का पूछना है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो भाई, मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो डाउट क्लियरिंग वीडियोस हैं, वो आपको CITS एडमिशन 2021 इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि लगभग आपके 15 सितंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम जो है हो सकते हैं, और एडमिट कार्ड आने की बात रही तो एडमिट कार्ड उसके 10 या 8 दिन पहले आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, कोई मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 सितंबर के बीच जो है आपके एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेट टोटल हैं, तो अल्टरनेट डेज पर यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ कर मैं आपको एक सेट यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा अलग से ट्रेड है तो क्या मैं इसको देखूँ। तो भाई, जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन होते हैं, तो आप किसी भी ट्रेड से CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्क्स 25 हैं, टोटल नंबर ऑफ 25 हैं, और जो टाइम है वो आपको 30 मिनट का यहाँ पे समय दिया गया है, और ये जो पेपर है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रश्न जो है सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक रूल पता होना चाहिए, वो है बॉडमस का रूल। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बोर्ड पर सॉल्व कराने थे, लेकिन बोर्ड पर फिर आपको क्वेश्चन ना दिखते तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती, इसलिए थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, बॉडमस क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ क्या है, का है, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लीकेशन, एड माने एडिशन माने योग, और एस माने सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। जिस क्रम में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं उसी क्रम में आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सवाल में हल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिर्फ प्लस का सिंबल है और माइनस का सिंबल है। देखिए, प्लस और माइनस में पहले क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे पहले एडिशन आ रहा है यानी कि योग आ रहा है। तो जितने भी यहाँ पे राशियाँ हैं इनको हम पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 78,642 प्लस 41,120 प्लस 387, इसका योग करने के बाद हम इसमें से 51,620 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों का अगर हम योग करते हैं तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 83,149। ठीक है, और इसमें से हम क्या घटा देते हैं, 51,620। ठीक है, और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31,529। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बॉडमस रूल पर ही है। 38,395 माइनस 1,563 प्लस 1,089। अब यहाँ पे देखिए, बॉडमस रूल में क्या आता है, पहले देखिए यहाँ पे बॉडमस रूल आपको पता होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, पहले यहाँ पे क्या रहा है, एडिशन यानी कि पहले जो भी जोड़ वाले हैं उनको हमको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 38,595, अब इसमें से इसको घटाना नहीं है क्योंकि हमको पहले क्या करना है, पहले सभी को जोड़ने के बाद घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, प्लस में क्या है, 1,089, हम यहाँ पे प्लस क्या कर लेंगे, 1,089, उसके बाद यहाँ पे घटा देंगे उसमें से 1,563। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आएगा, 4,984। ठीक है, माइनस 1,563, जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3,421। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा यानी कि नन। ठीक है, जो ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, गलती हुआ होगा, उसको भी आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। 64,009 का वर्गमूल पूछा है, तो पहला तो यह है कि आपको अगर भाग किसी भी तरीके से वर्गमूल निकालना नहीं आता तो आप सिंपल गुणा करके कर सकते हैं, यानी कि 803 गुणते 803,
अगर हमारा 64,009 आ रहा है तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप 423 गुणते 423 करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे CTI जो एडमिशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का समय होता है, काफ़ी आपके पास समय होता है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे 253 गुणते 253, तो इसको जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 64,009, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आपके पास भाग विधि से आप करना जानते हैं तो भाग विधि से कर सकते हैं। भाग विधि देखिए लंबी विधि आपको पड़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 64,009 करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, बाएं साइड से इसको पेयर बना लेते हैं 2-2 का, फिर यहाँ पे सिंगल बचा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि कक्षा 5 की चीज़ें आपको ये आती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ले जाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 6 में से 4 जाएगा कितना 2 बचेगा, और यहाँ पे फिर जोड़े में उतारेंगे। देखिए भाग विधि से करने में यही होता है, यहाँ पे जोड़े में संख्याओं को उतारते हैं, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, तो अब हम इसको ले जा सकते हैं 5 बार, ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 45 पंजे करेंगे तो 45 पंजे कितना हो जाएगा 225, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 15, और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जितनी बार ले जाते हैं उतना ही यहाँ पे जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा 50। अब कितनी बार जाएगा, अब 3 बार जाएगा, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 09 हमने उतारा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जोड़े में हमने यहाँ पे 09 उतारा है, तो 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 1509। तो इससे भी सॉल्व करेंगे तो जो आपका ये आ जाएगा वर्गमूल कितना आ जाएगा 253, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें आपसे पूछा है कि एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है, ठीक है, मूल संख्या यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो मूल संख्या है हमारी x, ठीक है। अब x में से देखिए हमको घटाना क्या है, 600 का 75%, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 600 का 75% निकालना पड़ेगा, तो 600 गुणते 75/100, 600 का 75% निकालेंगे कितना आएगा 450। ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को, क्या कह रहा है, 600 के 75% का 2/3, यानी कि अब 600 का 75% हमने निकाल लिया, लेकिन इसका हमको क्या निकालना है, 2/3 निकालना है, तो 2/3 इसका निकालेंगे तो 450 गुणते 2/3, ये कितना आ जाएगा 300, ठीक है। अब वही कह रहा है कि एक संख्या जो कि हमने क्या मानी है x, उसमें से क्या कह रहा है, 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, यानी कि जो हमने निकाला हमको इस संख्या में से क्या कर देना है, घटा देना है, घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है 320। तो आपसे पूछा है वह मूल संख्या कितनी होगी, तो सिंपल आप क्या कर देंगे, x इक्वल टू यही, यानी कि यही मूल संख्या हमको निकालनी है, इसका पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 320 प्लस 300 कितना हो जाएगा मूल संख्या 620, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लाभ हानि का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है, राघव ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, और ये देखिए प्रश्न जो है पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है, तो लाभ कितने प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, सभी को पता होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, गुणते 100, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो लाभ निकालने का फार्मूला क्या होता है, लाभ निकालने का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु बेचा, और क्रय मूल्य मतलब क्या, जितने में वस्तु को खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर देंगे 3,48,000 माइनस 2,50,000, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, तो लाभ आपका कितना आ जाएगा, लाभ आपका आ जाएगा 98,000 रुपये, ठीक है,
98,000 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, लाभ प्रतिशत वाले फार्मूले में इसको रख देते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या था, लाभ था, तो लाभ बटे 98,000 बटे क्रय मूल्य कितना था, 2,50,000 गुणते 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो आ जाएगा 39.2%। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको ए अनुपाते बी बराबर 3:3, बी अनुपाते सी बराबर 8:9, तो सी अनुपात ए का जो है मान आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप सिंपल पहले क्या निकालेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी हमने लिख दिया और ए अनुपात बी आपको कितना दिया है, 3:4। ये देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, आप किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के प्रश्नों को करने में। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया है, 8:9, तो बी के नीचे हम लोग कितना लिखेंगे, 8:, सी के नीचे कितना लिखेंगे, 9। अब देखिए हमको गुणा करना है, गुणा किस क्रम में करना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 8 से, फिर 8 का करेंगे 4 से, और फिर 4 का करेंगे 9 से। तो अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी मिल जाता है। तो 3×8 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 4×8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32। अनुपाते 4×9 से करेंगे कितना हो जाएगा, 36। यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सी अनुपात ए हमको निकालना है, तो सी कितना है, 36 बटे ए कितना है, 24। बस अब आप इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से पहले 3 से कट कर लीजिए, 3×1=3, 3×2=6 और 3×8=24। फिर आपका यहाँ से कट जाएगा 4 से, 4×3=12, 4×2=8, तो सी अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 1148+28+32, तो वही बार्डमस रूल जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखिए योग है और क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन योग से पहले क्या रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। यानी कि सबसे पहले हमको जो इसमें करना है वो क्या करना है, गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1148 प्लस, अब हम लोग क्या कर देंगे, 28 क्या कर देंगे, 1408, तो कितना आएगा हमारा आएगा 39,424 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, 32। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40,604। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन खो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो ये प्लस का सिंबल है ये डिवाइड का होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो तब आपका आंसर जो है 1804 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो अगर आप प्लस से लगाना चाहें तो आपका जो मैंने आपको उत्तर बताया 40,600 आएगा अगर प्लस रखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे प्लस अगर डिवाइड का सिंबल कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। तो 11,960 प्लस एक्स बराबर 65×23। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11,960 प्लस एक्स बराबर 1495, और x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा -10,465। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा है कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत है, लेकिन कोई औसत आपको दिया नहीं है, तो हम औसत क्या मान ले रहे हैं, एक्स। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना था, यानी कि जो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि उसका जो
11 पारियों का औसत था कितना था एक्स, तो 11 पारियों में बनाए गए कुल रन, ठीक है, कुल रन बराबर कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। आपने औसत पढ़ा होगा कि भाई अगर उसका औसत x है और x में हम क्वांटिटी से गुणा कर दें यानी कि 11 से गुणा कर दें तो हमको 11 पारी में उसने कितने रन बनाए वो हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 11 पारी में उसके कुल रन कितने हैं 11x प्लस, अब उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाए 129 प्लस 129, ठीक है, बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 पारी बराबर औसत के लिए क्या कह रहा है, औसत भाई क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या बराबर, यही तो औसत होता है। तो क्या कह रहा है कि उसके पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया, यानी कि पहले जो औसत x था वो क्या हो गया x प्लस 9 हो गया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो पिछला औसत जो x का मान है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 129 बराबर 12x प्लस 144, 11x को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 12x में से तो बचेगा x, और 144 129 को भी उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 108, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 12 9 यहाँ पे 108 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 9 कितना होता है 12 9 108 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 129 और में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 21, ठीक है, 108 का 75 इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 129 में से 108 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21, यानी कि जो पहले उनका औसत था 11 पारी का वो कितना था 21। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे लिखने में प्रॉब्लम होती है लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिखते रहें, क्योंकि बोर्ड पे फिर से हम मुझे यही 25 क्वेश्चन लिखने पड़ते अगर मुझे बोर्ड पे सॉल्व कराना है, तो थोड़ा सा आप इसको क्या कर लीजिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसमें पूछा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल देखिए क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। तो ए अनुपात बी पहले कितना दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 5A बराबर 4B, तिरेक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5A बराबर 4B। अब यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी बराबर कितना आ गया 5A अपान 4, यहाँ से क्या बन गया समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद करेंगे तो भाई 5 जोड़ देंगे, ए प्लस 5 बटे बी प्लस 5 बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है 5:6, फिर इसमें भी तिरेक का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 6A प्लस 30 बराबर 5B प्लस 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 5B माइनस 6A बराबर 5, ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अरे भाई 6A में से 6A यहाँ रखेंगे, 5B यहाँ है, 5B इसका पक्षांतर इधर करेंगे, 25 का पक्षांतर इधर करेंगे, ये सब तो चीज़ें आपको आती होंगी। तो 5B माइनस 6A बराबर 5, ये हमारे पास समीकरण 2 है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, समीकरण 2 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5B माइनस 6A बराबर 5। अब समीकरण 1 जो हमने बनाया था उसमें हमको क्या मिला था, बी का वैल्यू मिला था 5A बराबर 5A बटे 4, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे जो यहाँ पे हमको मिला है, तो 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5A अपान 4 माइनस 6A बराबर 5, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5×5 कितना हो जाएगा 25A माइनस 6×4 कितना हो जाएगा 24A बराबर 5, तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, A बराबर आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा, A बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो A की वर्तमान आयु कितनी है, तो A की वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था 5A, ठीक है, तो A बराबर हमने 5 निकाला,
तो 5 × 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि मोहन इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल है, एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं, राम का एक दिन का काम 1/10 प्लस मोहन का एक दिन का काम 1/15, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 150, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 + 10 कितना आ जाएगा 25/150 बराबर कितना आ जाएगा 1/6, यानी कि एक दिन का काम कितना है 1/6। तो एक काम ये कितने दिन में करेंगे, एक काम करेंगे 6 दिन में दोनों मिलकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, एनोलॉजी का। इसमें आपसे कहा है कि अध्यापक का संबंध किससे, विद्यार्थी से, ठीक है। तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा भैया, दर्जी का संबंध हो जाएगा कपड़े से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा प्रकाश का उल्टा क्या है। देखिए प्रकाश, प्रकाश का विलोम शब्द क्या है, अंधकार। इसी तरीके से ज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ज्ञान का विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है एक स्कूटर सवार 54 किमी प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ, लेकिन अगर आपको कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सॉल्यूशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमारा जो मोटिवेशन है वो क्या रहे, लगातार बना रहे, ठीक है। और आपको ये जो सॉल्यूशन की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पर चाल आपको किस में दिया है, किमी प्रति घंटा में, और आपको समय दे दिया है मिनट में, और दूरी जो आपको यहाँ पर दिया है वो मीटर में दे दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर कोई चाल आपको किमी प्रति घंटा में दी है और दूरी आपको मीटर में दे दी है, तो आपको उस चाल को क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। तो सिंपल एक ट्रिक होता है, अगर कोई चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या कर देना है, उसमें 5/18 से गुणा कर देना है। देखिए 18 + 3 कितना होता है 54, और 3 + 5 = 15, यानी कि अब जो चाल हमको मिल गई 15 मीटर प्रति सेकंड, अब हमको किस में मिल गई, ये जो 54 किमी प्रति घंटा वाली चाल थी ये हमको किस में मिल गई, मीटर प्रति सेकंड में मिल गई। और कितना मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड आपको यहाँ पे मिल गई। अब कह रहा है कि 1 मिनट में भैया कितनी दूरी तय करेगा, तो वो 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 15 × हम लोग क्या कर लेते हैं 60, तो 15 × 6 कितना हो जाएगा 90, 90 के आगे 1 0 लगा देंगे 900 मीटर, यानी कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 900 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। सिंपल ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जिन लोगों ने कभी नहीं किया वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए जब कोई खंभा, पिलर या व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी वो उसकी लंबाई को ही माना जाता है। यानी कि कोई, क्योंकि खंभे की जो चौड़ाई है या मोटाई हो क्या, हम नगण्य हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इन खंभे हो गया, कोई आपको खंभा दे दे, कोई पिलर दे दे, कोई व्यक्ति दे दे, तो उसको पार करने में जो रेलगाड़ी दूरी तय करती है वो स्वयं की उसकी लंबाई ही होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब दूसरी टेक्निकल चीज़ यहाँ पे क्या है कि 180 मीटर यहाँ पे दूरी आपको दिया है मीटर में, और यहाँ पे आपको चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इस मीटर को किलोमीटर में बदल लें, यानी कि जो इसकी दूरी आपको मीटर में दी है इसको आप किलोमीटर में बदल लें, या इसकी जो चाल है उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, क्योंकि यूनिट आपको एक ही रखनी है। ऐसा नहीं कि हाँ इसको मीटर में रखेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा भी तो क्या होगा, वो गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो इसकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 30 × 5/18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150/18। अब आपसे क्या पूछा है, कितनी देर में पार करेगी, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 180/चाल हमने निकाला अभी, 150/18, तो अंश बटे हर, तो हर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 180 × 18/150। ठीक है, इसको आप काट पीट के सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 21.6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन गलत हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा 21.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि ₹988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100। ठीक है, सभी चीज़ें आपको दी हुई हैं, मूलधन दिया है 988 गुणते दर आपको दिया है 18% और समय आपको दिया है 5 वर्ष/100। सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है कि कितना ब्याज अर्जित होगा, ये आसानी से आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 889.20। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ और सॉल्व करके मैं इसको बीच बीच में बता दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है तो इसको मोबाइल स्क्रीन पर सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है कि ₹16,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज दर से छमाही देह चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, अगर हमको जैसे मैंने अभी आपको साधारण ब्याज का फार्मूला बताया उसी तरीके से अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसका एक फार्मूला होता है मूलधन यानी कि P(1+R/100)^(n-1)। ये फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। यहाँ पे हमको क्या रखना है, मूलधन हमको दिया है, ठीक है, 160,000 रुपये। अब आपको यहाँ पे क्या है, ये दर है, दर आपको कितना दिया है 10%, और ये एन क्या दिया है, आपको समय दिया है जो कि कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है, सिंपल अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपको ये फार्मूला रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि छमाही देह है, अगर वार्षिक होता तो आप सिंपल इस फार्मूले पर सभी चीज़ें रखते आपका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैसे दिया है, छमाही जो है देय है, यानी कि छमाही लग रहा है, तो छमाही अगर लग रहा है भैया तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आज जो यहाँ पे दर है उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि नीचे 100 में क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, और समय में क्या कर देना है, समय में 2 से गुणा कर देना है। समझ गए आप कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला होता है अगर आपसे वार्षिक पूछे तो, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, छमाही पूछ रहा है, तो आप R में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे R की वैल्यू 10 है तो 10/2 कर देंगे, यानी कि 100 में 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे जो समय दिया है यानी कि 2 वर्ष दिया है तो 2 × 2 कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है, तो 16,000, ठीक है, 160,000 है यहाँ पर, और 1 माइनस दर आपको कितना दिया है 10/2 से गुणा कर देंगे तो 2 × यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे समय दिया है 2 वर्ष, यहाँ पे 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1।
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 34,481, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा है सांकेतिक भाषा में वाई जेड डब्ल्यू को बी ए डी लिखा जाता है, तो जेड एक्स वाई से क्या बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस मैंने टोटल आपको 8 कराई है, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है विपरीत अक्षर, वर्णमाला वाला जो लेक्चर है आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने पढ़ाया विपरीत अक्षर। तो वाई का उल्टा क्या होता है, बी। वहाँ पे मैंने ट्रिक से आपको सभी चीज़ें याद भी कराई हैं। जेड का उल्टा क्या होता है, ए। डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, डी। यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कोड मिल गया। अब इसी तरीके से देखिए, जेड का उल्टा क्या होगा, ए। एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, सी। वाई का उल्टा क्या हो जाएगा, बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा है कि किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को ये लिखा जाता है, तो लाफ को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कोड को समझिए, एस से क्या हो जा रहा है, यू। यानी कि एस वर्णमाला अगर आप ए बी सी डी आता होगा तो एस के बाद क्या आता है, टी, और टी के बाद क्या आता है, यू। यानी कि एक अक्षर को छोड़ के यहाँ पर लिख दिया। फिर पी को देखिए क्या लिख रहा है, आर। पी के बाद क्या आता है, क्यू, और क्यू के बाद क्या आता है, आर। यानी कि क्यू को छोड़ के क्या लिख दिया, आर को लिख दिया। इसी तरीके से ई को देखिए, ई को क्या लिख दिया, जी। ई के बाद क्या आता है, एफ, और एफ के बाद आता है जी। यानी कि एक एक अक्षर छोड़ के क्या कर दिया, इसी को लिख दिया। तो हमको सेम काम यही करना है, एल के बाद क्या आता है, एम, एम के बाद क्या आएगा, एन। एम हमने छोड़ दिया और एन यहाँ पे लिख दिया। ए के बाद बी आएगा तो बी के छोड़ के यहाँ पे सी लिख दिया। यू के बाद वी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा तो वी के छोड़ के डब्ल्यू लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो एन सी डब्ल्यू, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप इसको यहाँ पे, आपका आंसर नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो आप इसको डिवाइड करके आराम से इस बड़ी भिन्न को निकाल सकते हैं। एलसीएम मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप डिवाइड करके ही इसको यहाँ पे निकालिए, क्योंकि अगर एलसीएम दो तीन अगर भिन्न रहते तो वहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते थे, वो और ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, दशमलव उतार के जीरो उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 28, फिर दो बचेगा तो कितनी बार जाएगा, 7 × 2 = 14। इसी तरीके से आप 0.42, इसी तरीके से आप सबका डिवाइड करके निकाल लेंगे तो जो सबसे बड़ी भिन्न रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न 7/9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको संख्याएं जोड़े में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो क्या बन पाएगा, पूर्ण वर्ग बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 294 का एलसीएम। ठीक है, 294 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 147 बार जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से जाएगा नहीं तो हम लोग 3 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे कितनी बार जाएगा, 49 बार जाएगा। अब फिर 3 से नहीं जाएगा तो 7 से ले जाएंगे, 7 × 49 और 7 × 7। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्याओं का जोड़े में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक ही जोड़ा मिल रहा है 7 का, जबकि 3 और 2 क्या हैं, सिंगल हैं। तो इसको भी हम क्या कर दें, जोड़े में कर दें, यानी कि यहाँ पे गुणते 2 कर दें और यहाँ पे गुणते 3 कर दें। ठीक है, यानी कि 1 3 हम यहाँ पे और लिख दें और 1 2 और लिख दें, तो ये जो संख्या है क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो जब 3 और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 × 6, और ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 294 को पूछा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, 6 से गुणा करें तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा गुणा करना है, आपको गुणा भाग आपको आना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी देखिए कक्षा 3-4 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जहाँ पर ये संख्या रहती है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9। 0 का कितना हो जाएगा, 00, मतलब एक 0 ही रहेगा, मतलब जो इधर जितने चलते जाते हैं
उस संख्या के इधर इतने जीरो हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो वही स्थानिक मान हो जाता है आठ। अब देखिए आठ के आगे कितनी संख्या, दो संख्या, तो आठ के आगे हम लोग दो जीरो रख देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो गया। यहाँ पे देखिए सात है तो सात के आगे कितनी संख्या, यहाँ पे तीन संख्या, तो सात के आगे हम लोग तीन जीरो रख देंगे तो यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा है आठ का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो आठ का स्थानीय मान यहाँ पे 800 हो जाएगा। इसी तरीके का एक प्रश्न और पूछता है कि अगर आपको कोई ऐसे संख्या दे दे, कहेगा कि इसका जातीय मान बताइए, ठीक है, इसका क्या बताइए, जातीय मान बताइए। और अगर आप इस तरह के प्रश्नों को भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मान जाइए कि आपकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक अभी आप नहीं हैं अगर आप इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैथ नहीं आती तो मैथ थोड़ा बहुत पढ़िए, और बिना मैथ के आप कोई भी कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल बंदे हों चाहे वो नॉन टेक्निकल बंदे हों, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस तरह के प्रश्न भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो, ठीक है। इसी तरीके के देखिए प्रश्न पूछता है जातीय मान, तो जातीय मान वही मान होता है। अगर आपसे पूछे आठ का जातीय मान तो आठ का जातीय मान आठ ही रहेगा, पूछेगा तीन का जातीय मान तो तीन का जातीय मान तीन ही रहेगा, छः का जातीय मान पूछे तो छः का जातीय मान छः ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान कैसे निकालना है, तो स्थानीय मान मैंने अभी आपको बताया कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए रेलगाड़ी की भी लंबाई 180 मीटर है और प्लेटफार्म की भी लंबाई कितनी है, समान लंबाई का, यानी कि प्लेटफार्म भी 180 मीटर का है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 180 बटे समय आपको कितना दिया है 18 सेकंड, तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 बटे 18, तो 18 दोना 36, समय आपका कितना लगेगा यहाँ पर, जो चाल आपकी यहाँ पे लगेगी कि चाल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दोनों स्थिति में उसको लाभ हो रहा है, यानी कि खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है तो 10% का उसको लाभ हो रहा है, और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है तो यहाँ पर भी उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल एक ट्रिक होता है, जो पिछले साल मैंने क्लासेस कराई थी CTI एंट्रेंस एग्जाम की मैथ के लिए, उसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बताई थी। तो इसके लिए सिंपल होता है, ट्रिक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए दोनों स्थितियों में लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखा है प्लस में, अगर ये कहे कि उसको 10% का यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि की जगह पे हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स में, एक्स मतलब क्या, 10% का उसको पहले लाभ हो रहा है, 10% का घोटाला पहले कर रहा है तो 10% का लाभ, प्लस 10% का बाद में बेचते समय भी कर रहा है तो फिर लाभ, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 10 × 10, यानी कि हमने x मान लिया और y मान लिया इनको, ठीक है, बटे क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे कर देंगे 10 × 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस यहाँ पे 10 × 10 = 100 और 100 से कटेगा तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा 1, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 21%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने लगेंगे भाई, तो एक पेज का ये पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे, और हो सकता है बीच में भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आपका आंसर ना आए, ठीक है। तो प्रतिशत वगैरह आप किताब से पढ़िए, तभी आप इन तरह के प्रश्नों को यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपका पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा सेट 2, ठीक है, जो कि हमारा आएगा अल्टरनेट डेज पर, यानी कि एक एक दिन के अंतर पर हमारा ये जो सॉल्यूशन आएगा। साथ ही साथ इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सकें कम समय में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।